नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दौर में चुनाव प्रचार करेंगे। ये चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश के रीवा, छतरपुर, भिंड और ग्वालियर में किया जाएगा। भिंड विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सीएम रोड शो के साथ ही अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में यूपी के मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, कैसे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नंदनी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव का एक अब आखिरी चरण आ चुका है, यानी 3 दिन अब चुनाव के दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में अगर बात की जाए तो वो ग्वालियर में इस दौरे पर रहेंगे, चुनावी दौरा होगा और जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए वहाँ के बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, उनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर ग्वालियर में पहुँचना और फूलबाग मैदान में जिस तरीके से प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर का जो समर्थन में जो चुनावी जनसभा करेंगे, ऐसे में वोट बटोरने के लिए वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस पर पूरा काबिज कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से बात आ रही कि अब 3 दिन ही शेष रह गया है वहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में सभी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो ऐसे में अब देखा जाएगा कि किस तरीके के चुनाव प्रचार अब थमेगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस की बात की जाए तो सभी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच के चुनावी जनसभाओं को कर रहे हैं। जी, अगर बीजेपी की बात करें तो देखा जाए स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड रहती है, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन का शेष समय जो रह गया उसको लेकर के 15 नवंबर की शाम से प्रचार भी थम जाएगा और प्रचार में 1 दिन शेष रहे जैसे जो बचेगा, तो ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के जो दिग्गज हैं पूरी तरीके के एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। आज अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, अनेक कई जो नेता हैं वो रोड सभा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बात मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है एक साथ लगा हुआ है, जिस तरीके से वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके से पांव जमाना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पहुंचना, मध्य प्रदेश के चुनावी जनसभा को संबोधित करना, ये सब कहीं ना कहीं एक सूचना ये दे रहे हैं कि 2024 को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए आज मध्य प्रदेश में पूरा जोर शोर लगा रही है। जी, कुल कितनी सीटों पर प्रचार प्रसार करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किन किन सीटों पर? रितेश, देखिए आज से जो बात कही जा रही है, आज ग्वालियर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहां पर जो प्रद्युम्न तोमर है फूलबाग मैदान में ग्वालियर के, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे का ये बताया जा रहा है कार्यक्रम, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना, रोड शो करना और वहां पर और भी जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वहां मौके पर रहेंगे। अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान भी 2 सीटों पर वो चुनावी जनसभा करेंगे। तो छतरपुर की बात की जाए, राजनगर विधानसभा में बात की जाए तो वहां पर रोड सभा होगा, भिंड में भी चुनावी जनसभा होगी। ऐसे में आज जो 14 नवंबर है वो कई काफी खास रहेगा मध्य प्रदेश के। जी, शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेंगे सीएम के आगमन को लेकर अगर बात करें तो? देखिए, एक बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो भिंड का चुनावी दौरा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, टेर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रविंद्र सिंह भदौरिया के समर्थन में प्रत्यक्ष रूप से इनके लिए ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो कहीं ना कहीं अब ये चुनावी जनसभा आज मायने रखती है, क्योंकि 3 दिन और से समय रह गया है चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए और चुनाव प्रचार थमने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली में जश्न मनाने में लापरवाही लोगों को भारी पड़ी। दरअसल दिवाली की आतिशबाजी में कई जगह पटाखे जलाए गए, पटाखे से जलकर लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। इस दौरान अस्पतालों में डॉक्टर मुस्तैद दिखे और मरीजों की लगातार आमद रही। केजेएमयू के अलावा बलरामपुर सिविल और लोक बंधु अस्पताल में वन इंजरी के अलावा भी कई घायल मरीज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान बलरामपुर अस्पताल में एक मरीज हार्ट अटैक का भी मरीज पहुंचा। केजेएमयू ट्रामा सेंटर प्रभारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि दिवाली के दिन कुल 321 मरीज अस्पताल पहुंचे, इनमें से 27 बंद पेशेंट रहे। राहत की बात यह रही कि कोई भी मरीज बेहद गंभीर हालत में नहीं आया।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए दीपावली का पर्व था, ऐसे में पटाखे जलाए गए। बताया जा रहा है केजीएमयू में 321 पेशेंट बर्न के आए थे, लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए दीपावली का जो पर्व था, इस दौरान जिस तरीके से आतिशबाजी होती है, तो उस आतिशबाजी को लेकर के पहले से ही सरकार पूरी तरीके से सख्त थी और उसके तरफ से साफ तौर से अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि किसी भी डॉक्टर को छुट्टी नहीं दी जा रही, क्योंकि इस मामले में लगातार मरीज भी बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी में कई ऐसी मामले भी सामने आए जिसमें कई लोग जले लेकिन ज्यादा गंभीर रूप से नहीं झुलसे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से आतिशबाजी के बीच जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं से कई लोग बीमार भी पड़े, जिसमें अगर बातचीत की जाए तो केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में लगभग जो 321 मरीज पहुंचे थे, सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वहां 221 मरीज पहुंचे, वहीं 3 गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भी जो है रेफर किए गए थे। वहीं अगर लोकबंधु की बात की जाए तो 154 मरीज पहुंचे और बलरामपुर में 333 मरीज पहुंचे। इसी तरीके से अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के जो अन्य अस्पताल है, वहां पर भी जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अगर डॉक्टर छुट्टी पर होता तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता था कि एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल सकती थी और जो मरीज थे, मरीजों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जो मरीज पहुंचे हैं वहां पर, लगातार जो डॉक्टरों की टीम थी वो उनको पूरी तरीके से देख रही थी और पूरी तरीके से उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो दीपावली को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया था, इसके साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम करते हुए पूरी तरीके से त्यौहार मनाने के जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के बीच आतिशबाजी एक अलग तरह की थी। बातचीत की जाए जिस तरीके से दीपावली में आतिशबाजी हुई, कई घरों में भी आग लगी और उस घरों की जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दिल्ली में शांति भवन स्मारक पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शांति वन पहुंचकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू को आज पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी देश के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को याद किया और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रायबरेली के इब्राहिमपुर गांव में एक महिला का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिसे देखने के बाद घर में कोहराम मच गया। घर के कमरे में फांसी के फंदे के सहारे मृतका गायत्री का शव मिला, जिससे गांव में मातम छा गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ज़्यादा अवगत कराना है कि इब्राहिमपुर गांव में गायत्री वाइफ ऑफ सज्जन, जो यह 112 की सूचना प्राप्त हुई थी कि अपने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया, मर गई है। इस सूचना पर तत्काल SSO सरेनी मैं फॉरेंसिक टीम के घटनास्थल पर आए, बॉडी को उतरवा करके पंचायतनामा भर करके PM की कार्रवाई है, बॉडी भेजी गई है। प्राप्त तहरीर के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। दिल्ली और NCR में दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से प्रदूषण से आबो हवा खराब हो गई है। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। राजधानी में आज सुबह AQI 373 दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली के ITU में AQI 424 दर्ज किया गया है, जबकि IGI एयरपोर्ट में AQI 449 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 407 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के सेवियर सोसाइटी में नशे की हालत में कार मेडिकल स्टोर में घुस गई। गौरतलब है कि सेवियर सोसाइटी में दिवाली मिलन समारोह की पार्टी चल रही थी, इसी दौरान पूरी दुकान में रखा लाखों का सामान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अब इस पूरे मामले का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कार चालक काफी रफ्तार में था।
अंबेडकर नगर के ग्राम पंचायत चुनेतपुर निवासी अरविंद अग्रहरी ने आधा दर्जन से ज्यादा ग्राम प्रधानों पर आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने दुकान का 2,49,000 रुपए बकाया का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधानों की ओर से अग्रहरी मशीनरी रामनगर में इंडिया मार्ग का रिपेयरिंग करने के लिए दुकान से सभी ग्राम पंचायत अधिकारी को सामान दिया गया है। 3 साल बीत गए लेकिन अभी तक बकाया रुपया नहीं मिल पाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार उच्च अधिकारियों से किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर पीड़ित अरविंद अग्रहरी रामनगर ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। हमारे वहाँ पिछले प्रधान के समय का मतलब पिछले कार्यकाल के समय का बकाया धनराशि है 6-7 ग्राम सभा का, वो भुगतान के लिए हम 3 साल से दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आश्वासन स्पष्ट नहीं मिला। बस यही कहते हैं कि हो जाएगा, जांच हो गई है, यही आश्वासन देते हैं लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। तो आज आप धरने पर बैठे हैं? जी हम ये धरने पर बैठे हैं, सब जगह हर अधिकारियों को अवगत करा करके ही बैठे हैं। अच्छा, कब से आप बैठे हैं? सुबह 7 बजे से बैठे हैं सुबह। तो अभी कोई अधिकारी आया कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई जिम्मेदार नहीं आया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।